सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो आज के वीडियो के अंदर कुछ धमाकेदार होने वाली है। तो गाइस, मैं ये पूरी की पूरी वीडियो शूट करने वाला हूँ रेडमी नोट 11 से, और जो भी शूट हो रही है वो भी रेडमी नोट 11 से शूट हो रही है। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11 के बारे में। एंड मैं अच्छे से बात करना चाहूंगा, जिन भी भाई लोगों को ये फोन लेनी है या फिर जो भी लिए सोच रहे हैं कि मैं रेडमी नोट 11 पे शिफ्ट हो जाता हूँ, उसकी कैसी क्वालिटी है, कैसे स्पेसिफिकेशन है, कैसे कैमरा क्वालिटी है, एवरीथिंग आप लोगों को पता चलने वाली है इस वाली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले बात करेंगे हम कैमरा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मैं अभी कर रहा हूँ और जो मैंने अभी महसूस करा है, सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके कैमरा के बारे में। क्योंकि लिटरली मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसका कैमरा उतना ज्यादा अच्छा मेरे को नहीं लगा। बहुत सारे रीजन है। जब इसकी लाइट कंडीशन अच्छी होती है तो मेरे को ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ अपने रेडमी नोट नोट नहीं अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अपने रेडमी 8A डुअल से, तो ये उससे ज्यादा बेकार मेरे को लगता है। मतलब उसकी कैमरा क्वालिटी इससे ज्यादा बेहतर है। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी फ्रंट कैमरा मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है और मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं इसके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो ये मेरे को इतना ज्यादा वाइड एंगल नहीं प्रोवाइड करता है, जबकि मेरे रेडमी 8A डुअल में इससे ज्यादा वाइड एंगल है। पर मैं फ्रंट के बात करूँ या फिर बैक के, उसमें थोड़ा सा ज्यादा वाइड मेरे को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के पोर्ट्रेट मोड के बारे में, जिसकी मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शानदार शानदार से फोटो मैंने क्लिक करे हैं, और जैसे आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े से फोटो है। और मैं बोलूंगा कि रेडमी नोट 11 इस मामले में थोड़ा सा आगे चलता है पोर्ट्रेट के मामले में, बाकी मेरे को कहीं अच्छा। और एक बात है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी जो मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, इसमें 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 6 GB रैम मिलता है आपको, और साथ ही में 128 GB का स्टोरेज मिलता है, जो कि इसका सबसे अपर मोस्ट वाला। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, ये थोड़ी सी सबसे ज्यादा अपर मोस्ट की है और अपर मोस्ट का ये हाल है। टॉप मॉडल का भाई ये हाल, तो इसके नीचे के लोअर वाले के क्या हाल होंगे मैं समझ रहा हूँ। बट हाँ, मेरे को इस मामले में थोड़ा सा अच्छा लगा कि इसमें पोर्ट्रेट मोड इसका बहुत सही है। थोड़ी बहुत बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, परफॉर्मेंस मेरे को ठीक ठाक लगा इसका। गेमिंग परफॉर्मेंस हाँ बहुत सही है, मतलब इसमें कोई भी गेम खेलो बहुत आसानी से चल जाता है। इसमें मैंने एक बार में 3 गेम रन कराए हैं, फल्ट 8, फल्ट 9 और साथ ही में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। फ्री फायर भी करा था पर उसका काउंटिंग नहीं करूंगा। बाकी मैंने ये दोनों गेम एक साथ मतलब फोन में मेरे रन कर रहा था, बट उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मेरे फोन में, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। बहुत स्मूथ है, 90 Hz की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है इसमें। अगर आप गेमिंग करते हो तो 60 Hz की भी मिलती है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप 90 Hz पे ही यूज करा करो, बिकॉज आपको 90 Hz थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील कराएगा और साथ ही में थोड़ा फील कराएगा कि आप थोड़े महंगे स्मार्टफोन में अपने गेम खेल रहे हो या फिर यूज कर रहे हो। बाकी इसमें आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, स्टूडियो टाइप के स्पीकर है, बहुत सही चलती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है। देखो यार, एक बात मैं बताता हूँ, बुरा मानना, बट इसकी जो क्लियरिटी है, ये देखो मेरे फेस पे थोड़े से ऐसे पिंकिस पिंकिस आ रहा है भाई। ये क्या है, पिंक टाइप के ये क्या है? कभी कभी ये पीला हो जा रहा है, कभी कभी ये पिंक हो जा रहा है भाई। ये नॉर्मल मेरे को लग रहा है सर, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे लाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब थोड़ा सा ये व्हाइट हो रहा होगा, पूरा का पूरा व्हाइट कर देता हूँ मैं इसे ना। मेरे को ये प्रॉब्लम मेरे को सबसे ज्यादा इसकी बड़ी लगी, क्योंकि अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो एंड एज अ वीडियो क्रिएटर अगर आप इसे ले रहे हो भाई, तो बहुत गलत बात है। हाँ, इसमें बाकी इसकी जो ईयरफोन है मतलब माइक्रो वाली, इसकी जो आवाज जिसमें कैप्चर होती है वो बहुत सही लगी मेरे को, मतलब उसकी रेंज बहुत सही है और इसमें वीडियो क्वालिटी बहुत सही आ रहा है। बात बाकी मेरे को इसे कैमरा या फिर इसे स्मार्टफोन में ज्यादा कुछ इशू नहीं लगा। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा भारी है, मतलब अगर वजन वेट की बात करें तो इसमें थोड़ा वेट है अकॉर्डिंग टू मी, मैंने इसे यूज करा है और मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। एंड नाउ इसकी वीडियो क्वालिटी आप देख ही सकते हो कैसी है नहीं है, और आपको मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। जितने इन्फॉर्मेशन थी मेरे बारे में सबने मैंने बता दिया, सब सबकी सब मैंने बता दी। बट हाँ, मेरे को एक चीज अच्छी लगी नहीं इसकी, कि ये स्मार्टफोन मेरे रेडमी 8A डुअल से ज्यादा बेकार है। अब बुरा मत मानो यार, बट 6 GB रैम, 128 GB लेके कोई फायदा नहीं है अगर इसके कैमरा लैग दे रही हो तो। अभी वीडियो आपको लैग दे रही होगी, अजीब लग रहा है मेरे को, आपको लैग दे रही नहीं दे रही मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे मेरे को दिख रही है कि मेरी वीडियो लैग है बहुत ज्यादा, और ये मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सी चीजें लगती है, मन करता है स्मार्टफोन तोड़ दूँ। एंड नाउ ट्राई करेंगे अपने रेडमी 8A डुअल को, उसमें कैसी वीडियो क्वालिटी आती है। हाँ, मेरे को पता है वो 1080 पे रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, वो थोड़ी सी लो क्वालिटी ही रिकॉर्ड कर पाएगी, बट आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड कर पाएगी। तो हे गाइस, देखो ये वाली वीडियो जो हो रही है रिकॉर्डिंग, ये हो रही है मेरे रेडमी 8A डुअल में, और ये आपको दिख रहा होगा मेरी रेडमी नोट 11 पे। सो नाउ कंपेयर करते हैं एक दूसरे को एक साइड से। देखो यार, ये वाली मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें मैंने सब कुछ करके रखा हुआ, अपने कैमरा के हिसाब से मैंने इसे एडजस्ट करके रखा हुआ अपने फेस पे, ताकि लाइट थोड़ी अच्छी आए। इससे मैंने कुछ एडजस्ट नहीं करा। इसमें जो आपको फुटेज मिलेगी वो एकदम नेचुरल फुटेज मिलने वाली है इस वाली फोन के अंदर, रेडमी नो 8A डुअल में, और मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि बेहतर आउटपुट मेरे को देगी अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाले स्मार्टफोन से। तो नाउ अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ऐसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चलिए इस पर क्लिक करते हैं एंड इसको गिरा देते हैं थोड़ा सा, ये ले डाउन, ये कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया, आई नो। इधर करते हैं, इधर थोड़ा डाउन करते हैं ना। एक्चुअली आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, धरती आसमान का, आई नो। तो यही तो फर्क है भाई, रेडमी मेरी इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इसे बेहतर बना के रखा हुआ है। एंड
मैं इसमें ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। क्या मैं इसमें ब्लॉगिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बट मैं इसमें कर सकता हूँ। सो गाइज वीडियो मस्त बनाया, अगर आपको वीडियो दोनों में से किसने पसंद आई मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आई थिंक आपको इसकी वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि ये वाली स्मार्टफोन मेरे साथ बहुत पहले से एंड मैं इसको ही सपोर्ट करता रहूँगा हमेशा से, बिकॉज आई लव यू, आई डोंट लव यू, आई लव यू। सो बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैसेज आ रहा था किसी का, ठीक है गाइज मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखना।